अच्छा सवाल किया आपने इस हवाले से कि मस्जिदें शट डाउन हैं, मस्जिदें बंद हैं, और अगर कोई मर जाता है तो जनाजा कैसे करें। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो जनाजा जो है वो मस्जिद के दाएं बाएं कोई भी जगह होती है उस जगह पे जनाजा किया जा सकता है, खुले मैदान के अंदर जनाजा किया जा सकता है, मस्जिद के अंदर कोई शेड है उस शेड की जगह वहाँ जनाजा किया जा सकता है, अगर मस्जिद के करीब नहीं कोई भी ऐसी जगह कोई शेड है, अगर सर्दी का मौसम है, बारिश है, बर्फबारी है, तो किसी शेड के अंदर जाके वहाँ पर जनाजा किया जा सकता है। तो जनाजे के लिए अगर वो कहते हैं 3 लोग, तो हाँ 3 लोग का जनाजा हो सकता है, 3 लोग जो खड़े होके इमाम आगे 2 पीछे, तो जनाजा करना चाहे तो 3 लोगों से जनाजा हो जाता है, उसमें मुजायका नहीं, या 3 मुक्तदी हो एक इमाम हो तो जनाजा हो जाता है, जैसे खुद जुमे की नमाज भी जो है एक इमाम हो और 3 मुक्तदी हो जुमे की नमाज भी हो जाती है, इस तरीके से अगर जनाजा करना पड़ जाए और इतने लोग हों तो वो जनाजा 3 या 4 आदमियों से बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। मुफ्ती साहब, इसमें एक सप्ली काफ़ी अभी कॉलर्स हैं, लेकिन एक क्विकली एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो इज्तमाई दफन कर देते हैं कि जब जिस तरह ये वबा फैली है, हज़ारों लोग इटली में मर रहे हैं, इस तरह अगर खुदा ना खासा किसी इस्लामिक कंट्री में ऐसी सिचुएशन हो, तो वो इज्तमाई दफन अगर करते हैं, एक ही कब्र में 100, 200, 400, 500 लोगों को दफन करते हैं, क्या इसकी भी कोई दीन में कोई इजाज़त है? हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बिल्कुल हाँ, अगर ऐसी अगर सूरत हाल पेश आ जाए और इज्तिमाई खबरें बनानी पड़ जाएँ और इतने जनाजे हैं कि अलग अलग सबके लिए बनाना मुश्किल है, लिहाजा एक ही लंबी खंदक की तरह जो कब्र खोद दी और उसके अंदर सारे जनाजे लिटा दिए और उसको बंद कर दिया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। और दूसरा, जिस तरह अभी ये जो वायरस की वजह से जो लोग फौत हो रहे हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, उनका तो उसमें अगर कोई मुसलमान, तो मुझे नहीं इल्म, सच्ची बात है मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना ही है कि उसको प्लास्टिक में रैप करके और पॉलीथीन बैग में लपेट के, ताकि उसमें से जरासीम भी उसमें ज़मीन के अंदर भी ना पेनिट्रेट करें, तो क्या अगर खुदा ना खासा किसी मुसलमान की इस तरह डेथ होती है तो इस तरह उसको भी दफन किया जा सकता है? हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट उठाया आपने, लेकिन नहीं, इस मुसलमान को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप बता रहे लॉ ऑफ लैंड है, अगर उसके अंदर हावी हो जाए और आपकी वह चले ना, तो फिर आप मजबूर हैं, जैसे बहुत से ममालिक में, यहाँ के ममालिक में उस बॉक्स के अंदर बंद करके आपको डालना पड़ता है, वरना इसकी इजाज़त देते नहीं हैं, तो आप बॉक्स के अंदर डालते हैं, हालांकि दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा ये नहीं था, बल्कि आपकी सुन्नत किसी और तरीके से है, लिहाजा ये लाहद के अंदर दफनाएँ या ये खुला उसकी ज़मीन के ऊपर लिटाएँ, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो उन सुन्नतों पर अगर अमल नहीं कर पाते, और यहाँ पर भी ये जब वो हुकूमत वदी कहती कि पॉलीथीन बैग के अंदर डालना और इसके अंदर ये ज़मीन के अंदर भी सरायत ना करे, हालांकि उनको पता नहीं कि ज़मीन जो है, जमीन की मिट्टी जो है, ये तो जहर को मारने वाली चीज है, ये तो आज मेडिकल साइंस भी बात को मानती है, जैसे बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कुत्ता मुंह डाल दे अगर बर्तन के अंदर, तो उसका जहरीला मादा उस बर्तन में लग गया, तो 7 मरतबा मिट्टी से मलमल के धोएं, क्योंकि मिट्टी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहर को मार देने की सलाहियत रखी है, लिहाजा ओपन अगर मुर्दे को अंदर लिटा दिया जाएगा और वो जरासीम निकलेंगे तो मिट्टी तो उनको किल कर देगी, खत्म कर देगी, लेकिन पॉलिथीन बैग के अंदर डाल देंगे तो उसके अंदर कब तक रहेगा, यहां तक कि अंदर गलता रहेगा, गलता रहेगा, वो एक नहीं एक कोरोना वायरस ही और कितने किस्म के वायरस पैदा हो जाएंगे, और जब बस करेगा तो फटेगा तो वो और कहाँ कहाँ फैलेगा, लिहाजा ये जो है टेक्निकली बहुत मिस्टेक की जाती है, इसलिए मिट्टी के अंदर दफनाना ये ज़्यादा सेफ और साउंड है, लेकिन बहरहाल अगर कहीं मजबूरी ऐसी हो तो उसमें अगर मुसलमान को भी लिटाना पड़े तो लिटा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।